हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो मैं बना रही हूँ क्ले से ज्वेलरी, इयररिंग्स एंड रिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये रेड कलर की क्ले ले रही हूँ। तो यहाँ मैं सुपर क्ले का यूज़ कर रही हूँ गाइस। ये बहुत ही सॉफ्ट होती है एंड ये बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाती है, तो आप इजीली बना सकते हैं और पहनने में भी आपको ये ज़्यादा हेवी नहीं लगेगा। तो इस तरह से मैं इसको शेप दे रही हूँ और मैं यहाँ रैम्बो वाले बना रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं 3 कलर के ही बना रही हूँ। अगर आपको 7 कलर वाले देखना है तो आप मेरी चैनल पर जाके शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने 7 कलर का रैम्बो बनाया है। तो वो शॉर्ट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, इजीली आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। एंड यहाँ मैं 3 कलर का बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने रेड लिया है एंड उसी की तरह मैं यहाँ पे ये येलो वाले को भी इस तरह से लगा रही हूँ। एंड इस तरह से मैं ये सेकेंड वाला भी रेडी कर लूँगी। और गाइज, अगर आपको सुपर क्ले चाहिए तो आप मीशो से इजीली वहाँ से परचेज कर सकते हैं। मीशो से तो आपको ये 122 की मिल जाएगी और आपको इसमें ये 12 इस तरह से पैकेट मिलेंगे। तो अलग अलग कलर के आपको ये 12 पैक मिल सकते हैं, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। तो गाइज, इस तरह से मैं ये वाइट भी इसमें लगा रही हूँ और लास्ट एक्स्ट्रा पार्ट को मैं कट कर लूँगी। एंड यहाँ ये वाइट कलर की क्ले को इस तरह पैन से इस तरह इसको बेला है मैंने, पैन को बेलन बना के। एंड इसमें से मैंने ये क्लॉथ कट कर लिए हैं एंड देन इसमें मैं हॉल कर लूँगी परकार की हेल्प से। तो गाइज, आप किसी भी हेल्प से कर सकते हैं। तो इनमें सभी में मैं इस तरह से हॉल कर लूँगी एंड इसको ड्राई होने के बाद मैं जंपरिंग की हेल्प से इन दोनों को आपस में जोड़ लूँगी, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। तो गाइस, इस तरह से मैं ये इसको जोड़ रही हूँ। तो ये मैंने जोड़ लिए हैं एंड अब मैं इसमें रबर स्टॉपर लगा रही हूँ। मैं ग्लू गन का यूज़ नहीं कर रही, आप चाहें तो कर सकते हैं, पर इससे भी ईजीली चिपक जाएंगे ये अच्छी तरह से। तो गाइस, ये हमारी इयररिंग्स रेडी हैं एंड अब मैं बनाने वाली हूँ रिंग। तो मैं यहाँ ये ब्लैक कलर की ले रही हूँ क्ले। तो इस तरह से इसको राउंड राउंड करके 2 पीसेस रेडी कर लेंगे। तो इसको अब इस तरह से एक के ऊपर एक राउंड करना है इस तरह से। तो गाइस, आप ये देख सकते हैं, तो इस तरह से मैं इसको राउंड कर दूँगी एंड अपनी फिंगर की साइज़ का इसको आप अपने अकॉर्डिंग कट कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो आप किसी चीज़ की हेल्प से भी इसको राउंड करके कट कर सकते हैं। तो गाइस, इस तरह से ये हमारी सिंपल सी ब्यूटीफुल रिंग भी रेडी है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं न्यू सेकंड रिंग। तो गाइस, यहाँ सेकंड रिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पे ये पर्पल वाली क्ले ले रही हूँ। तो इसका एक लड्डू बना के इसको भी हम इसी तरह से इसको बेल लेंगे। तो मैं पैन की हेल्प से बेल रही हूँ, आप मार्कल की हेल्प से भी बेल सकते हैं। तो इस तरह से इसको मैं कर दूँगी एंड ये वाइट वाली क्ले ली है मैंने, तो इसमें से एकदम छोटे छोटे डॉट डॉट बना के इसको इस तरह से पुश करके इस पर अप्लाई करने हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये हमारा एक अच्छा सा वो रेडी हो जाएगा पैटर्न। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, ये इजी है। तो मैं इसको इसमें ये ऐसे इस तरह से इसको लगा रही हूँ। तो ये मैंने रेडी कर लिया एंड ये थोड़ा सा ड्राई हो गया था गाइज, ये बहुत जल्दी ड्राई होती है। तो ये मैंने इस तरह से इसको काट लिया एंड ऊपर से और साइड में से भी चारों तरफ से मैंने इसको काट लिया है एंड इसको इस पर से हटा के इसको अपने फिंगर के साइज़ का फोल्ड कर लेंगे। तो गाइज, ये इस तरह से रेडी हो गई है। तो अब बनाएंगे जिगजैग वाली थर्ड रिंग। तो उसके लिए मैंने इस तरह से ब्लू कलर की ली है क्ले यहाँ पे। तो इसको अब जिगजैग का शेप देंगे। तो इस तरह से भी आप दे सकते हैं, आप चाहें तो आपके पास कोई और डिज़ाइन हो या फिर आपको कोई और चाहिए तो आप वो भी बना सकते हैं, पर ये बहुत इजी होता है और आराम से बन भी जाता है ये। तो इस तरह से आप ये बना लीजिएगा एंड गाइस, ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा आपके हाथ में पहनने के बाद। तो आप देख सकते हैं इस तरह ये लगेगा कुछ। तो गाइस, ये हमारी रिंग रेडी है एंड देन गाइस, यहाँ मैंने ये पिंक बना ली थी ये ब्लैक वाले की जैसे ही, और यहाँ मैंने ये ब्लैक 2 बनाई थी और ये हमारा